ऑप्टिकल फाइबर केबल तार की चोरी के आरोप में चार युवकों की आरपीएफ ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें आसनसोल रेल पार का रहने वाला मोहम्मद सद्दाम, आसनसोल बाबू तल्ला का रहने वाला मोहम्मद बदरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद नाजिर हुसैन व पप्पू शामिल है। इन चारों आरोपियों को जामतारा व विद्यासागर रेलखंड पर स्थित कांसी टाड़ हॉल्ट पर पकड़ा गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने चारों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल आरपीएफ जामतारा अपने कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक महीने से लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों को शक हुआ तो ग्रामीणों द्वारा चार चोर को पकड़ा गया, जिसमें एक भागने में सफल हुआ। इधर आरपीएफ जामतारा अपने कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। हालांकि आरपीएफ कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। नाम बताओ, नाम क्या है? क्या है? सद्दाम। सद्दाम, तुम्हारा? अली। अली क्या? और तुम्हारा? नाजिद। नाजिद क्या? नाजिद मोहम्मद। घर कहाँ हुआ? आसनसोल। कौन जगह? कौन जगह पे? चाय माल किसको बेचता था? माल हम लोग जिधर तिधर बेच देते हैं, हम लोग गोदाम पोदाम। कितना दिन से चोरी कर रहा है वाला? अरे हम पहली बार आए भाई। पहली बार हुआ? एक मंथ से चोरी हो रहा माल। बता भैया, मेरा यहाँ माँ सब लेडीज उठी से पूछ लीजिए, हम लोग मालूम भैया। हम तो आज त्यौहार में फंस गए भैया, त्यौहार में। ए बोलो, तुम्हारा पास औजार मिला है? औजार दिखा, औजार दिखा। औजार कहाँ गया? पत्ती तो कहाँ, पॉकेट में है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।